हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसके बाजू में रहे घंटी को दबाना मत भूलना। ऐसी क्या नौबत आ गई, भैंस चराने के साथ साथ गोबर भी उठाना पड़ रहा है। काश कोई दूसरा काम मिल जाता तो मैं इस काम से छुटकारा तो पा जाता, मगर कोई काम तो मिले। अरे रामू, तुम इतना लेट हो गए हाँ, फिर तो आज तुम्हें कम पैसे मिलेंगे। परंतु सेठ जी, मुझे कोई अरंतु परंतु नहीं, आज तुम ज़्यादा लेट हो तो तुम्हें कम पैसे मिलेंगे बस। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत हो गया नाटक, आज तो मैं नौकरी ही छोड़ दूंगा। काम इतने सारे और पैसे इतने कम, इससे ज़्यादा पैसे तो भिखारी कमा लेता है, इससे अच्छा मैं भीख न मांग लूँ। अरे रामू, तुमने मेरी लक्ष्मी को देखा? माफ़ करना सेठ जी, मैं किसी पराई स्त्री पर नज़र नहीं डालता। अरे रामू, वो मेरी पत्नी नहीं, वो मेरी भैंस है। अच्छा, वो तुम्हारी भैंस है, मुझे लगा कि वो तुम्हारी पत्नी है। अब आप ही बताओ, कोई भैंस का नाम लक्ष्मी रखता है क्या? अरे रामू, वो मेरी कीमती भैंस थी, इसलिए मैंने उसका नाम लक्ष्मी रखा था। अब आपकी भैंस इतनी कीमती होगी तो उसका आधार कार्ड भी बना होगा। रामू, तुमने हद पार कर दी है, कल से काम पर मत आना, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, मुझे भी तुम्हारे काम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी कल से नहीं आऊँगा। अच्छा हुआ, मेरे बोलने से पहले ही मुझे नौकरी से निकाल दिया, अब मैं कहीं और जाकर काम देखूँगा। अरे वहाँ लोमड़ी मुर्गी को मारने जा रहा है, वैसे भी बचाकर मुझे क्या मिलेगा, जाने दो। अरे नहीं, अगर मैं मुर्गी को बचा लिया तो कम से कम मुझे एक मुर्गी तो मिल जाएगी, जल्दी जाकर बचाऊं। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ, ये ले। डरो मत मुर्गी, तुम बिल्कुल ठीक हो, आओ तुम्हें मैं अपने घर ले चलता हूँ। क्या बात है रामू, आजकल लोग मोबाइल चुराते हैं और तुम अभी भी मुर्गी चोरी करते हो। ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें भी चुरा लूंगा, नहीं तो चुपचाप अपना काम करो। शायद ये मुर्गी भूखी होगी, रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ दाने लाता हूँ। ये लो, मेरे पास इतने ही अनाज बचे हैं, इसे तुम खा लो। अब तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा, क्योंकि अनाज तो सारे खत्म हो गए हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, इतने सारे सोने के अंडे। अरे ये तो मुर्गी नहीं, जादुई मुर्गी निकली रे रामू, इस मुर्गी ने तो सच में कमाल कर दिया, इतने सारे अंडे बेचकर मैं तो खूब अमीर हो जाऊंगा। पहले मैं अपने लिए घर बनाता हूँ, फिर मुर्गी के लिए एक आंगन बनाता हूँ। कितने दिन हो गए, रामू अभी तक अपनी मजदूरी नहीं लेने आया, कहीं मेरे डांट की वजह से रामू बीमार तो नहीं पड़ गया, जरा देखो तो। अरे भाई जरा सुनो, क्या आपको पता है रामू का घर कहाँ है? क्या हुआ, रामू के यहाँ चपरासी की नौकरी करने आए हो क्या? मैं सेठ हूँ उसका, चपरासी नहीं। अच्छा माफ कर देना, रामू का घर तो यही है बाजू में। अरे इतना बड़ा बंगला रामू का कैसे हो सकता है? तो क्या, ये बंगला रामू का ही है। क्या तुम्हें पता है रामू इतना अमीर कैसे होता जा रहा है? मुझे तो पूरा नहीं पता, लेकिन मैं जब से रामू को मुर्गी लेकर आते हुए देखा हूँ, तब से रामू अमीर होता जा रहा है। ओ तो फिर सारा चमत्कार उस मुर्गी का ही है, आओ देखते हैं।
ये देखो, मैंने कहा था ना, ये सारा चमत्कार इस मुर्गी का है। हाँ, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। एक काम करते हैं, हम जादुई मुर्गी के बारे में सरपंच को बता देते हैं। अरे नहीं नहीं, अगर ये बात सरपंच को पता चलेगा तो मुर्गी सरपंच ले लेगा। एक काम करते हैं, हम इस मुर्गी को मार डालते हैं। अरे वाह, बड़ा अच्छा तरकीब है। ठीक है, तब हम इसे मार ही देते हैं। मैं इस मुर्गी के लिए जहरीला कीड़ा लाता हूँ और तुम इस मुर्गी को खिला देना। जहरीला कीड़ा खाते ही मुर्गी मर जाएगी, फिर न रहेगा बांस, न बजेगी पियानो। पियानो नहीं, बांसुरी। हाँ, बांसुरी। अब जल्दी से ले आओ। ये लो, ले आया। अब जल्दी से इस मुर्गी के पास डालकर आ जाओ, जल्दी करो। जल्दी डालकर आऊं, जल्दी। ये डाल दिया, खा लो मुर्गी, तुम्हारा आज अंतिम दिन है, जल्दी खा लो। जल्दी निकलता हूँ वरना रामू देख लेगा। अरे वाह, जादुई मुर्गी तो मर गई और हमारा काम भी हो गया। अब चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। अरे ये सब क्या हो गया भगवान, मेरी मुर्गी को किसने मार दिया? इस बेचारी मुर्गी ने क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, पूरा सत्यानाश कर दिया। एक बार की बात है, एक ऋषि मुनि जंगल में चलते चलते भटक गए थे और उन्हें बहुत जोर से प्यास लग चुका था। वह पानी ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक छोटा सा घर दिखाई देता है। तो ऋषि मुनि जी उस घर की ओर चल देते हैं। अरे बेटो, क्या मुझे पानी पिला सकते हो? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। ठीक है बाबा जी, रुको, मैं अभी पानी लाता हूँ। ऐसा कहकर रामू तुरंत घर में जाता है और बाबा जी के लिए पानी लेकर आता है। पानी पीने के बाद ऋषि मुनि जी कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। बोलो बेटा बोलो, तुम्हारी एक इच्छा क्या है? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। बाबा जी, मेरा घर इस घने जंगलों के बीच में है। यहाँ पर मैं कोई भी काम नहीं कर पाता हूँ, जिसके कारण मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। अगर यहाँ से मैं कहीं गांव जाऊँ तो मेरे पिताजी के बनाए इस घर से मुझे निकलने का मन भी नहीं करता है। तो बाबा जी, इसका ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने इस घर में रह भी सकूं और अपने रोजी रोटी के लिए पैसे भी कमा सकूं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे इस घर को पंख लगा देता हूँ। अब तुम इस घर को जहाँ ले जाने के लिए कहोगे, यह घर तुम्हें वहाँ ले जाएगा। ऐसा कहकर ऋषि मुनि जी वहाँ से चले जाते हैं और रामू अपने घर के अंदर जाता है और कहता है, हे जादुई घर, मुझे गांव की ओर ले चलो। ऐसा कहते ही जादुई घर तुरंत उड़ता है और गांव के तरफ ले जाता है। अरे वाह, मैं तो सचमुच गांव में पहुंच गया। अब मैं यहाँ पर जल्दी काम करूंगा और काम करके पैसे भी कमाऊंगा। रामू उस गांव में अच्छे से काम करने लगता है। इस प्रकार रोज रोज रामू हर गांव में घूमने जाता और वहां पर काम करता। एक दिन रामू के मन में विचार आया, एक काम करता हूँ, एक बार मैं इस चंद्रमा पर घूमने के लिए निकलता हूँ, बहुत मजा भी आएगा और वैसे भी मेरे इस घर के अंदर सब सामान भी रहेंगे तो मुझे खाने पीने का चिंता भी नहीं रहेगा।
यह सोचकर रामू कहता है, हे जादुई घर, मुझे चंद्रमा पर ले चलो। ऐसा कहते ही वह जादुई घर वहां से उड़ना शुरू कर देता है। पृथ्वी से बाहर निकलते ही जादुई घर अंतरिक्ष में हवा ना पाने के कारण वहीं पर रुक जाता है और रामू भी हवा ना पाने के कारण सांस नहीं ले पाता है और वहीं दम तोड़ के मर जाता है, क्योंकि आपको पता ही है अंतरिक्ष में हवा नहीं होता है।